सत श्री अकाल जी, आई एम डॉक्टर परमजीत सिंह कालो फ्रॉम अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। जिद्दां कि असीं अपने मैं लास्ट अपने लैक्चर दस्सिया सी वेरीकोज वेन क्यों हुंदियां ने एंड किन्ना विच हुंदियां ने एंड इन्हां दे सिम्पटम्स की हुंदे ने। सिम्पटम्स बेसिकली दे कैन रेंज फ्रॉम एसिम्पटोमैटिक टू पेन, स्वैलिंग, दैन स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये सारे सिम्पटम्स मैं तुहानूं उस दिन समझाया सी। अज असीं इस तो अगे तुहानूं इहदा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे दसांगा। इनू वेरीकोज वेन डायग्नोज करने लिए कोई एक मेन टेस्ट है जिन्होंने कलर डॉपलर कहने हैं। एक तरह का अल्ट्रासाउंड होंगे जिन्ना पेशेंट जो वेरीकोज वेन होंगे ने वेन्स फुलियां होंगे उन्होंने असीं डॉपलर कराने वो सूँ पता लग जाता कि वो जो परफोरेटर्स ने वैल्व्स किहड़े-किहड़े खराब ने, क्योंकि लैग के 25 तो 30 कनैक्शन हो सकते हैं जो परफोरेटर जिन्होंने असीं कहने उन्होंने किहड़े-किहड़े खराब ने, इनकंपीटेंट ने, वो हिसाब नाल असीं उन्होंने ट्रीट करना होंदा। एंड सैकेंड डॉपलर सानू भी पता लग सकता कि कोई वेन ब्लॉक तो नहीं हैगी जिन्होंने असीं डीवीटी कहने, डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं होया होया, जिहड़ा कि फर्दर ट्रीटमेंट विच सानू हैल्प करेगा। तो बेसिकली कलर डॉपलर नाल ही सानू डायग्नोसिस बन जाता कि असीं इहदी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है जां प्रिवेंशन अगे किस तरह करनी है। हुण ट्रीटमेंट है सब तो जरूरी है कंजरवेटिव ट्रीटमेंट। कंजरवेटिव का मतलब होंगे कि वो पेशेंट जिन्हां दे विच असीं ऑपरेशन नहीं करना जां ऑपरेशन असी थोड़ी डिले करना, उन्होंने असी की प्रिकॉशनस असी लै सकते हैं। सब तो जरूरी है कि स्टैंडिंग, प्रोलोंग स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर तक लैग नीचे लटका के जिवें ट्रैवलिंग करनी है 3-4 घंटे 5 घंटे वो असी उन्होंने अवॉइड करना है। जिहड़ी स्किन खराब हो गई है, ब्लैक हो गई है, उन्होंने ड्राई नहीं होने देना ताकि उस इचिंग घट होवे। इचिंग घट होएगी तो उत्ते खारिश नहीं होएगी एंड जख्म अगे उहदे नहीं बनणगे। एंड बाकी रात नू लेटन वेले जां सौण वेले पैरां ते थल्ले पिलो रख के सौना ताकि वो लैग्स एलीवेट रहन। सब तो जरूरी कंजरवेटिव ट्रीटमेंट विच हैगा स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग मतलब जुराबां, जुराबां जिहड़ियां असीं पेशेंट नू पाण दे लई कहीदा हैगा, पैर तो लैके उपर तक जिथों तक भी वो इन्वॉल्वमेंट होवे वेन दी उत्थों तक असीं स्टॉकिंग्स पाने हैं। स्टॉकिंग्स बनाउण वेले एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि असीं जिहड़ी स्टॉकिंग हर स्टॉकिंग जिहड़ी मैडिकल स्टोर तो मिलती है वो ये कारगर नहीं होंगी। असी प्रैफर करते हैं कि जी कस्टम मेड ने, मीनस मेजरमेंट लत्त की मेजरमेंट लैके वो हिसाब नाल हर पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, वो लैग के साइज के हिसाब नाल बनाई जाए तो ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगी है। सवेरे आम तौर पर सवेरे जो पेशेंट काम करते जाना या खड़े होने वाला कोई भी काम करना उदों पेशेंट ने स्टॉकिंग पा लैनी है। जो वापस घर आके या रैसट के वेले असीं स्टॉकिंग उतार सकते हैं, लैग्स एलीवेट करके आराम कर सकते हैं। नैक्सट ट्रीटमेंट यदि हैगी जिहदे रैटिकुलर वेन्स होंदियां ने, जिहड़ियां छोटी छोटियां ब्लू कलर दी वेन्स ने जिहड़ियां कि अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं दे रही, जां 3 मिलीमीटर तो घट वाली वेन्स, ब्रीक वेन्स ने, वो जिन्हां दे हैगे उन्होंने असीं ट्रीट करने स्क्लेरोथेरेपी दे नाल। स्क्लेरोथेरेपी दे विच एक सोल्यूशन हुंदा जिन्नू असीं इंजैक्शन नीडल दे नाल उन्हां वेन्स दे विच असीं इंजैक्ट करदे हां एंड उस तों बाद उहदे उप्पर प्रैशर दे दिंदा ते वो वेन्स ठीक हो सकती ने, बन सकती ने। पर इस जी स्क्लेरोथेरेपी है यदि इफेक्टिवनैस अराउंड 50% के आसपास है। 50% लोग बाद ठीक रहते हैं, 50% लोग दे दोबारा भी हो सकती है। नैक्सट ट्रीटमेंट है जिहदे जिहड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसनूं कहंदे दैट इज सर्जरी। जिन्हां पेशेंट दे विच डॉपलर दे विच प्रॉब्लम आती है कि परफोरेटर्स इनकंपीटेंट ने, उन्हां दे विच सर्जरी करनी पैंदी है। सर्जरी दे विच जिहड़ी पुरानी सर्जरी पहलां करदे सीगे, मतलब मैक्सिमम सेंटर अजे भी करते हैं, दैट इज़ ओपन सर्जरी। जिहड़े जिहड़े भी परफोरेटर्स खराब ने, जिथे जिथे भी प्रॉब्लम है उत्थे कट लगाया जाता है, उन्हां वेन्स नूं बन्निया जाता है एंड काफ़ी बार वो वेन्स नूं एक तार दे अराउंड उन्होंने खिंच के असीं कट सकदे आगे। इहदे च प्रॉब्लम ये हुंदी है बेसिकली कि एक तो कट बार बार जिन्ने जिन्ने भी कनैक्शन खराब ने, जिस कोल 8-10 कनैक्शन खराब ने तो 8-10 थावां दे उप्पर सानूं कट देने पैणगे, वेन्स कड्ढनी हुंदी है, उहदे नाल इन्ने सारे कट देने पैणगे, उहदे नाल पेन होएगी बहुत ज़्यादा, ब्लड लॉस हुंदा है एंड क्योंकि इन्ने सारे कट दिते ने इसलिए वूंड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा ने। एंटीबायोटिक ज़्यादा देर खाने पैंदे ने, पेशेंट नूं हॉस्पिटल भी ज़्यादा दिन रहना पैंदा है एंड रैस्ट करनी पैंदी है 10-15 दिन बिफोर ही कैन गो बैक टू वर्क। तो इन्हां सारिया प्रॉब्लम के चलते जिहड़ी नवीं एडवांसिस चल आंदियां रहिंदियां ने, उन्हां दे विच हैगा एक रेडियो फ्रीकुएंसी एबलेशन है जिन्होंने RFA कहने हैं एंड दैन EVLT एंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट जिहड़ा लेजर जिहड़ा लेटैस्ट हैगा। उसदे च एक डायोड लेज़र होंदी है वो यूज़ करते हैं, एक पतली जी नीडल के थ्रू असीं लेज़र वेन दे विच इंसर्ट करते हैं एंड जिहड़े जिहड़े कनैक्शनस खराब ने, जिथों तो वेन खराब है उन्होंने असीं लेज़र के थ्रू उन्होंने असीं ब्लॉक कर दिंदे हां। लत्त दे विच कोई कट नहीं लगाना पैंदा, पेन बहुत मिनीमल जी पेन होंदी है। पेशेंट असीं जे तां बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ नहीं है ਅਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ नहीं ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਐਮਡੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्रिकॉशन लैनी पैंती कि स्टॉकिंग जी है वो एक महीना पेशेंट को पानी चाहिए है आफ्टर लेज़र फॉर द बैटर इफेक्ट ऑफ द लेज़र एंड पेशेंट 2-3 दिन बाद अपने रूटीन काम करता जा सकता है। इन्होंने सारिया ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली असीं देखा कि इन्हें सारिया फ्रॉम कंजरवेटिव टू स्क्लेरोथेरेपी सारिया बहुत सारिया 3-4 टाइप की ट्रीटमेंट ने तो जिन्होंने भी प्रॉब्लम होए उस सेंटर से जाना प्रैफर करना चाहिए जिसे सारिया एको रूफ के नीचे अवेलेबल स्क्लेरोथेरेपी एंड RFA या EVLT एंड जे लोड़ पवे तो ओपन सर्जरी भी जिथे सारा कुछ अवेलेबल हो गया। नैक्सट आता प्रिवेंशन असीं रोक किदां सकते हैं जी वेरिकोज वेन आइडियोपैथिक वो तो नहीं रोकिया नहीं जा सकदियां जिन्हां दे प्रॉब्लम वेल्व्स विच होनी है वो हो सकती है। कुछ एक जिहड़े रिस्क फैक्टर्स ने वो असीं उन्हां नूं मॉडिफाई कर सकते जिवें ओबेसिटी हो गई मोटापा असीं अपना वेट कंट्रोल च रखांगे तो वेरिकोज वेन होने के चांसेस घट होणगे। बाकी जिहड़ी प्रिवेंशन हैगी वो जिहड़ी मैं तुहानूं कंजरवेटिव च दस्सिया ये उन्हां लई ने जिन्हां दे वेरिकोज वेन्स हैगियां ने पर अजे कोई सिम्पटम्स आने नहीं शुरू होईयां उन्हां दे असीं सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। ये सारियां प्रिकॉशनस जिहड़ियां स्टैंडिंग अवॉइड करनी प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड लेग एलीवेशन स्टॉकिंग सारियां पा के उन्होंने सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं एंड जी कॉम्प्लीकेशनस होने वाली ने वेरिकोज में तो उन्होंने बचा सकते हैं। थैंक यू।